अस्सलामुअलैकुम गाइस, अभी हम उसामा के घर जा रहे हैं जो कि सोया पड़ा हुआ होगा। जैसे फरहान ने आधा घंटा जाया किया सोए पड़े हुए थे, तो इसी तरह उसामा भी बोलेगा मैं रेडी हूँ और नीचे आने में आधा घंटा लगा देंगे। उसामा भाई, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अच्छा जी, आई एम द थर्ड गाय हु पिक्ड अप बाय मुनीब। मुनीब पिक्ड अप हिमसेल्फ, तो उसका फरहान को पिक किया, अब मुझे पिक किया। अब हम पिक करने जा रहे हैं हमारे चौथे साथी को जो कि अली शेख है। ये क्या चक्कर है? मुनीब भाई कह रहे थे कि आप हमेशा लेट हो जाते हो। यार एक होती है चीज, हाँ मैं लेट हो जाता था हमेशा, बट हो रहा है कि अभी आपके सामने रिकॉर्ड भी आना है कि मैं डाउनस्टेयर्स कितनी देर में आया हूँ। और यकीन माने कि मेरी लाइफ में कभी इतनी जल्दी उसामा नहीं आया जितना आज आया। कॉल करते ही दो मिनट, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था आते ही भाई, खजूर ले आता था मैं साथ, तो देते अफ्तार कर लेता। जो बंदा झूठ बोलता है उसका अफ्तार फारिग हो जाता, रोजा फारिग हो जाता। Meanwhile, तो काम वही है ना यार, काम इन द एंड जो है वो सिविक ही है, सिविक्स, क्योंकि हमें अभी नहीं कटिंग नहीं मारो एक्सपर्ट साजी टाउन के एक्सपर्ट रियल्टर को पिक करने हैं अभी। सामने क्या एजेंडा है हमारा आज का? आपने हमें तो सुबह सुबह इतना जल्दी उठाया है रमजान में, उसकी वजह? अच्छा जी, सुबह सुबह एक बजे इनको उठाया, ठीक है जी, और रमजान है तो डेफिनेटली एक बजे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है कराची वालों के लिए। खैर नहीं, आज हम लोग जा रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, हम लोग जा रहे हैं भाई, हमने अपने फोर्थ और सबसे अहम जो है वो भाई को पिक कर लिया है, फैसल भाई को, जो हमारे एक्सपर्ट भी हैं रियल स्टेट के और हमें सारी टाउन का विजिट भी करवाएंगे। माशाल्लाह इनकी वहाँ पे एक एजेंसी भी है और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो फैसल भाई, आपको खुश आमदीद कह दें हम अपने चैनल के अंदर। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pods, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the AM that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time, while I move passing by, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. हाँ जी व्यूअर्स, तो फिर हम जो है ना वो आ चुके हैं हमारे फैसल भाई के पास उनके ऑफिस में, और हम यहाँ पर अब उनसे स्टार्ट करेंगे सादी टाउन के इनसाइट्स एंड आउट के बारे में सारा पता। और अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि हम लोग रमजान में और रोजे में, और हम इनके अलग से जाएंगे सही सारे सवाल करके खुलेद के निकालेंगे सब कुछ सादी टाउन के बारे में, ठीक है भाई? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, काफ़ी मासूम मासूम लोग बैठे हैं मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा भी अपना करेक्टर ऐसा नहीं है पुलिस वालों के सामने बैठा, हमारे सवालात भी इंशाल्लाह मासूम आने ही। सारी टाउन को आपने क्यों चूज करा कि यहाँ पे मैं अपनी एजेंसी खोलूँ और यहाँ पे जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से डील करूँ? सबसे अच्छा यहाँ पर यह है कि बड़ा अथेंटिक सोसाइटी है, पार्कलैंड वालों की सोसाइटी है, ये बड़ी अथेंटिक सोसाइटी है, डॉक्यूमेंटेशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर मैंने सुना था पाकिस्तान आने के बाद कि डबलिंग होती है, फाइल डबल हो जाती है और ये मामलात हैं सारे, तो वो उस हवाले से बहुत सिक्योर है। तो सारी टाउन के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, 120 है, 240 है, कैटेगरी के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली ये है मैप सादी टाउन का जी, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 है,
हम लोग यहाँ से एंटर हुए थे गेट वन से जो सफूरा से आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम अंदर आते हैं तो ये हम यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, स्ट्रीट टू का फ्लैट, साइमा का प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, साइमा रेजिडेंसी है। और ये मेन रोड पे सारे कमर्शियल्स हैं जो किसी ज़माने में तो बहुत सस्ते थे, अब ये तकरीबन 3 करोड़ 4 करोड़ इस तरह के जी, जो कि सिर्फ 83 स्क्वायर यार्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट शादी टाउन जी, ठीक है जी, 80 गज का कमर्शियल प्लॉट इस वक्त इस शादी टाउन के सारे फसल पे आपको क्या वो 4 करोड़ का मिल रहा है, माशाल्लाह। और अच्छी जेंट्री रहती है यहाँ पे जो माशाल्लाह। मूव कर रहे हैं शहर से इस तरफ, अच्छा, हाँ, जो कि बड़ा पीस है, पीसफुल रहना पीसफुल है, है, अच्छा है, सिक्योर भी है ये, सही है। और काफ़ी एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ की। बाज़ार आपको टोटली सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक भी यहाँ पे सारी चीज़ें खुली भी होती हैं। अच्छा, शादी टाउन जो है वो जैसे मैं गेट देख रहा हूँ उसका मतलब पूरी जो है वो वॉल बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल की कवर्ड सोसाइटी है, और इसकी सिक्योरिटी के बारे में क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज़ ओके, बहुत हाई सिक्योरिटी नहीं है, मगर इट्स ओके। अलहमदिल्ला यहाँ पे कोई कैसे स्नेचिंग वगैरह कुछ नहीं होती दूसरी जगहों के अगर देखा जाए। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल 120 है ग्राउंड पर, मैं नीचे कोई बिजनेस करना चाहूँ और ऊपर अपना घर बनाऊँ तो ये सोसाइटी तो से इजाज़त मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि कंटोनमेंट में आता ही है और कंटोनमेंट इस मामले में काफ़ी सीरियस है। यार मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो मैंने देखा है ब्लॉक 4 एंड 5 5 काफ़ी ज़्यादा इसमें, यानी कटिंग अच्छी है, 120 गज़ के स्पेशली 120 गज़ के जो घर बने हुए यहाँ पे लोगों ने बनाए हैं वो अच्छे बिकते हैं, बनते बनते बिक जाते हैं। ओवरसीज़ वाले भी अगर लगाना चाहें तो वो सोचते नहीं यार चीज़ अच्छी है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आपकी बाकायदा वीडियो बनती है, डायरेक्टर साहब वहाँ पे जो पाकलैंड के डायरेक्टर हैं वो आपकी वीडियो बनाते हैं, अच्छा। और साथ बिठा के आपकी पिक्चर्स ली जाती है सिग्नेचर के टाइम पे, तो यानी बहुत ज़्यादा अच्छा। हाँ, यू कैन से बहरिया में, मैंने जो पाकिस्तान आने के बाद एक बहरिया में देखा ये चीज़, और ये मैंने इधर देखी है शादी टाउन पार्कलैंड में। टोटल अगर हम थोड़ा प्रिसाइज हो जाएं कि भाई 120 गज के 90 से लेके कितने तक के मिल जाते हैं? 120 गज में आपको ट्रांसफ़र प्लॉट 85 से 95 में मिलेंगे, ये है ट्रांसफ़र प्लॉट जिसमें 6 महीने का अगला प्रोसेस है लीज़ नक्शा पास का, और जो लीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 90 से 1 के बीच में एज़ पर लोकेशन। उसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी आती है लीज़ नक्शा पास जो बिल्कुल तैयार होता है, वो उस पर आप फौरन कल से ही आप डिगिंग करवा दो और स्टार्ट करवा दो काम, घर बनाना शुरू कर दो, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपको मिलेगा आज की तारीख में 1 से लेके 1.15 के बीच में। और यही जो सिचुएशन होगी 240 में, अब 3 क्रॉस कर गए हैं, यहाँ तक के मांगने वाले 3.5 भी मांग रहे हैं, 3.60 भी मांग रहे हैं, ऐसे ही इमरान 3.80 ये 3.90 इस तरह के रेट ये मांग रहे हैं, आस्किंग है ये। 400 यहाँ पे आपको मिल जाएगा आज की तारीख में तकरीबन 4.5 से लेके 5.5 के बीच में, बना हुआ घर, बना हुआ घर। और प्लॉट इसका आपको मिल जाएगा 400 का तकरीबन 230 250 270 एज पर लोकेशन। ये भाइयों प्राइसिंग आप लोगों ने सुन ली होगी, मसाज बहुत सारी होंगी तो पॉकेट से बाहर हो गया होगा, लेकिन अभी भी भाइयों गुंजाइश है जल्दी से जाना अपने आप लोग प्लान बना लें प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि सारी डाउन तो मेरे हाथ से हमारे हाथों से तो निकल गया, आपके हाथों से निकले निकले ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी ये बताएं फैसल भाई कि रेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं जो लोग रेंट पे यहाँ पे मूव होना चाहते हैं? रेंट का ऐसा है कि यार यहाँ पे अच्छे लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं लेने के लिए, कि यहाँ पर सारे ब्रांड न्यू घर हैं, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे नए घर में रहूँ, और यहाँ पे रेंट 120 गज़ का जो रेंट चल रहा है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर आपको इमरान बताएंगे। 120 गज़ का घर होगा ग्राउंड प्लस वन, अगर आप कम्प्लीट लेना चाह रहे हैं पूरा तो वो 50 से 55 हज़ार तक का होता है कम्प्लीटली। 240 के बारे में क्या कहेंगे आप? 240 अगर ग्राउंड प्लस वन लेंगे तो करेंट 85 से 90 तक का आपको मिल जाएगा अच्छा घर जी। इंडिपेंडेंट आप घर लेते हैं 120 गज़ का पूरा घर छत के साथ आपका होगा वो तकरीबन 35,000 तक में आपको मिल जाएगा, अच्छा 128 120 गज इंडिपेंडेंट। और आप 240 लेंगे इसी तरह का वो आपको 55 से 50 के बीच में भी है मिल जाएगा आपको, सिंगल स्टोरी घर हुआ 248 तो उसमें लिखा हुआ होता है नो एजेंट एंड ब्रोकर प्लीज, वजह से होता है गाड़ी में भी लिखा होता है और घर में भी लिखा हुआ। मगर जितने यहाँ पर लोग इनसिक्योर होते हैं स्टेट एजेंट से, लेकिन आजकल तो हम एजेंट्स भी क्लाइंट से बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, ये भी मैं ज़रूर बोलूँगा। सही बात
क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अपनी तरफ से 1.5 ही है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी और जूस है इसके अंदर, मतलब अगर एक बंदा आपके पास है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं एग्जांपल के तौर पे, तो क्या आप उसको रेफर करेंगे कि भाई यहाँ सारी टाउन में लो? बिल्कुल, अभी तो अभी तक तो माशाल्लाह यहाँ पे रेट ऊपर ही जा रहे हैं। और जो बने हुए घर हैं ग्राउंड प्लस वन इन 120 to 1400, उसके प्राइस हमें बताइएगा क्या? प्राइसिंग इस तरह से है कि अगर सिंगल स्टोरी आप लेते हैं वो 160-155 की डिमांड कर रहे हैं, वो 120 का ग्राउंड प्लस वन ब्रांड न्यू है, वो 180 से स्टार्ट है एंड देन डिपेंड ऑन लोकेशन। बात यह है कि भाई यहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पानी का बड़ा मसला था पहले, यानी यहाँ पे YouTube खोलते ही शादी टाउन जैसी हम टाइप करेंगे तो सामने पिक्चर्स आना शुरू हो जाती है कि पानी भरा हुआ है गलियों में 4-4 फीट। वो दौर चला गया अभी, तो अब यहाँ पर मामला कुछ और हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, किश्तियाँ भी जला दी, जला दी, अभी मसला हल हो चुका है, मसला प्रॉपर हल हो चुका है। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain, yeah. I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop. यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुप्पा बन जाऊंगा, फुप्पी तो नहीं बनूंगा। वो ये है कि यहाँ पर यार एक तो वाटर टैंकर वाले बैठते हैं यहाँ पर, तो वाटर टैंकर तो आपको कहीं पे हर जगह अगली लगता है, मामला हमारे ऊपर के हैं तो हम लोग तो उस पर कुछ रोशनी नहीं डाल सकते। आपका गलियाँ जो है ना शादी टाउन की या स्कीम 33 की, मोस्टली तकरीबन सोसाइटीज़ की गलियाँ जो है 24 फीट सी हैं। सर ये अभी गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ होती हैं लोगों के पास, और अक्सर लोग रेंट पर दे देते हैं तो रेंटर की भी गाड़ी होती है, ऑनर की भी गाड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर ये इशूज़ हैं। यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाती, एक जमा पूंजी लोग जब लेके निकलते हैं, तो मैं आपको जैसे बताया कि पिछले फेब मार्च से लेके जून जुलाई तक ही तकरीबन 40 लाख रुपए बढ़ गए थे, तो हर बंदा खुश होता है कि यार मेरे पैसों के पैसे प्लस में गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे जी जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन सारे बैंक एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा। UBL, हबीब मेट्रो, हबीब बैंक अल हबीब और फलां फलां जितने भी बैंक हैं, तकरीबन सारे 12-13 बैंक हैं इस रोड्स पे। ठीक है। और इस रोड पे आपको स्कूल्स भी मिलेंगे, एजुकेटर और वाइट हाउस और अच्छा। काफ़ी सारे स्कूल हैं, स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट स्कूल भी है, तो काफ़ी सारे स्कूल्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। और रहा बात मेडिकली पे जाते हैं तो एक सिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे मेन, और दूसरे अदर क्लिनिक्स काफ़ी सारे हैं, तो फिर मार्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, मदीना मार्ट है, कराची मार्ट है और बहुत सारे मार्ट्स हैं, बिन इस्माइल है, तो ये मार्ट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, प्लस दूसरी दुकानें भी काफ़ी सारी हैं, सारी चीज़ों की दुकानें यहाँ पर मिल जाती हैं आपको। और हमारे पास एक बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है यहाँ पे, उसामा वड़ाई साहब, अपने स्पेशल गेस्ट के साथ, तो आइए उसामा वड़ाई साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? हम गुजर रहे थे शादी टोन से, हमें दिखी यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एसोसिएट, नाम हम आपको बाद में बताएंगे। हमें यहाँ पर मिले हमारे फैसल भाई, जिनसे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता करेंगे। जी फैसल भाई, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्यूवर्स, हमें सबसे ज़्यादा मसला होता है पैसे कमाने का, ये तरीका हम इनसे पूछेंगे कि एक डील पर आप कितनी टॉप मार लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हराम या खेश भी। एक मासूमाना सवाल लोगों के अंदर अरबी भी जगा देता है। चले व्यूवर्स, चलते हैं देखने शादी टोन।
अरकम भाई, आपकी क्या मसरूफियात होती है सारी टाउन के अंदर, स्पेशली इस ऑफिस के अंदर? स्पेशली इस ऑफिस में तो बेसिकली मुझे सिर्फ मार्केटिंग के हवाले से जब मुझे कोई नीड होती है ऐसी कि यार ये चीज़ अभी हमें अपडेट करना ज़रूरी है तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, अदरवाइज़ मेरा इस ऑफिस में जो और बहरिया और यासिनाबाद में सब में ही एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ ये वाला हिसाब किताब मेरे साथ रहता है कि लैपटॉप लेके वहाँ भागना है, लैपटॉप लेके यहाँ भागना है, ये वाली मसरूफियात है मेरी। इन पर बड़ा काम है रियल इस्टेट का, वो टोटल मैं ही देख रहा हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अरकम भाई के जैसा आपने कहा एक टांग आपकी वहाँ एक टांग यहाँ, तो कहाँ पे टांग तो नहीं जाती आपकी? ये तो जिन्होंने का मुहावरा जिन्होंने बदल दिया वो बता सकते हैं आपको बेहतर तरीके से। अच्छा जी भाई, देखें जैसे माशाल्लाह हमने अभी फैसल भाई से इंटरव्यू लिया पूरा और सारी चीज़ें पता लगी, एवरी सक्सेस रिगार्डिंग द नेम और रिगार्डिंग एनी थिंग इट्स नॉट बिहाइंड बिकॉज ऑफ वन पर्सन, ये टीम होती है जिसके पीछे पूरे जाना, वो एक कारवां चल रहा होता है। मेरा ये रोल है यहाँ पर कि फैसल भाई ऑफिस में कमी होते हैं, इनकी गैर मौजूदगी में जो इनकी प्रॉपर्टी है उनको देखभाल करना या क्लाइंट जो आता है उनको विजिट वगैरह करवाना, प्रॉपर्टी के बारे में से बताना किसके क्या रेट है क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मैं खुद देखता हूँ। लेकिन नहीं बट व्यूअर्स ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि जब लोग बढ़ते हैं ना तो रिस्क बढ़ता है, काम बढ़ता कम नहीं होता, ये मेरा बिलीव है माशाल्लाह से। So he is doing that, mashallah, is applying that belief. बहुत अच्छे रेजल्ट मिल गया राज साहब सारी टाउन के, जिन्होंने जाना है राजू के हमें इंटरव्यू देने के लिए अबाउट सारी टाउन। जी राज साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पर कितने अच्छे से राज सके? 8 साल 8 साल हो गया माशाल्लाह साहब। बनाने का फायदा ये हुआ है कि प्रॉपर्टी में जो कंपेरिजन अगर करें तो ज़्यादा बढ़ गया है। और आपको यहाँ पर जो है ना मतलब रहना में सुकून शायद ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है? डिस्टर्बेंस नहीं है, सफाई। अच्छा रिवर्स सफाई के उन्होंने जाना पॉइंट आउट किया, और वैसे हम भी देख सकते हैं अगर आप कोई नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को दोनों एंड्स बताते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव ये है कि आदमी यहाँ आकर ना डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कट जाता है। अच्छा जी, तो ऐसा आपने बहुत जाना हमें अच्छा इंटरव्यू दिया, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अपनी वीडियो यूट्यूब पर जरूर। कहाँ पर भाई यहाँ पे और कोई बेहतरीन पॉइंट इसके अलावा ये कि यहाँ पे बिजली गैस और पानी बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आता है। आई थिंक नेगेटिव अबाउट समथिंग, नेगेटिव ये है कि फुफो वाले एंगल से देखो गली स्ट्रीट 25-24 फीट स्ट्रीट, उसमें भी जाएंगे हम करेंगे हमारे व्यूअर्स की सारी टाउन में आए इन्वेस्ट करेंगे रहे सारी टाउन में बिल्कुल है इन्वेस्ट करें भाई। आपने देखा माशाल्लाह से कि हमें जो है ना मौसम ने माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन प्रसाइज जो है ना वो इंटरव्यू दिया जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि रोते के टाइम ही करीब है अलग सूख रहा होता है जारे जा रहे थे हमने इनको पकड़ लिया। थैंक यू सो मच मौसम, टोटल मीट यू इंशाल्लाह, फिर आप देखेंगे अपने आपके यूट्यूब पे दराज लॉन्च।